तो माता पिता क्या करते हैं कि प्रसन्नता तो है कि रिश्ता तय हो गया, लेकिन सोचते हैं जब तक बात पूरी तरह से पक्की ना हो जाए तब तक समाज में नहीं बताएंगे, अभी अंदर की। लेकिन मान लीजिए उसी में कोई पूछे, पता पड़ जाए किसी परिवार वाले को, क्यों जी आपने ऐसा ऐसा कर लिया, बड़ा अच्छा संबंध मिला है, हमको नहीं बताया, तो फिर आप क्या कहते? अरे आप कहते हैं आपको कैसे मालूम पड़ गया, मैं आपको बताने ही वाला था। चलिए चलिए किसी को बताइएगा मत, बड़ी खुशी की बात है, आपको पता पड़ गया, बस अपने तक रखिएगा। इसी प्रकार क्या हुआ माताओं बंधुओं, जैसे ही चक्रवर्ती सम्राट ने कहा कि ये वही है ना, ये वही निर्गुण निराकार परमात्मा है ना, तो विश्वामित्र जी हड़बड़ी में हाँ बोल दिए। अरे बोले आपको कैसे पता पड़ा, ये तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। कह मुनि बिहसि कहे नृपुनी का, और बचन तुम्हार न हो ही अली का। अरे बिल्कुल सच कह रहे हैं आप, आपको कैसे पता पड़ा? कहा ये कौन है वीर? अरे बोले ये वही है, ए प्रिय सब ही जहां लगी प्राणी, ये वही है, वही परमात्मा है जिनको आपने पहचाना। तो राम जी बगल में खड़े थे, उन्होंने कहा ये दोनों तो सारी लीला हमारी बिगाड़ देंगे, अभी लीला प्रारंभ नहीं हुई है और ये दोनों बात करके सब। तो यूं खासे राम जी, जब बगल में कोई गड़बड़ बात करने लगता है समाज में तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसी प्रकार खासे, इधर देखो भाई, अरे क्यों आप सारी लीला बिगाड़ने पे तुले हो, यूं किया। एक आपको घटना बताऊं माताओं बंधुओं, एक ठाकुर साहब थे, ध्यान दीजिएगा, तो ठाकुर साहब की क्या आदत थी भाई, ठाकुर साहब तो ठाकुर साहब हैं, पूरे गांव में उनका सब बोलबाला है। तो ठाकुर साहब क्या करते थे कि ठाकुर साहब कभी कभार गलती से उनमें एक आदत थी कि वो कुछ ले लेते थे, तो लेने के बाद क्या करते थे कि गांव में जहां दरबार में बैठते थे, सम्मान तो उनका था ही, तो वहां लेने के बाद वो लंबी लंबी फेंकते थे, लंबी लंबी, मैंने उसको मारा, मैंने उसको उसका उसको गायब कर दिया और उसको उड़ा दिया, उसको फूंक दिया। तो क्या हुआ कि एक सेवक आया उनके पास, उन्होंने कहा ठाकुर साहब ऐसा है हमको आप नौकरी पे रख लीजिए, क्या कर लेते हो तुम? तो ठाकुर साहब ने, तो नौकर कहता है सेवक, अरे ठाकुर साहब आप जो ये लंबी लंबी कभी फेंक देते हैं ना, बहुत ज्यादा छोड़ देते हैं, जो जब आपको थोड़ा सा बहक जाते हैं, तो वही उसको हम रफू करना जानते हैं, हम आपको इशारा कर देंगे तो आप उसको लपेट लीजिएगा थोड़ा, आप तो बह जाते हैं भाव में, कोई बताता नहीं है तो अच्छा नहीं लगता, ठाकुर साहब हमें आप साथ में रख लीजिए, हम उस समय थोड़ा सा इशारा कर देंगे। तो ठाकुर साहब ने कहा चलो बात तो ठीक है, रह लो मेरे साथ। अब बैठे एक दिन ठाकुर साहब लगा के दरबार, तो उन्होंने कहा जानते हो एक दिन मैं जंगल से चला जा रहा था, तो वहां पे मैंने दूर एक हिरन देखा, और हिरन को मैंने ऐसी गोली मारी कि पैर पे गोली मारी तो कान छेदते हुए चली गई गोली। तो सबने देखा एक दूसरे को कि ये तो थोड़ा सा ज्यादा बोल गए, तो बगल में बैठा था ठाकुर साहब, तो उन्होंने कहा अरे 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 जब मैंने उसके पैर में गोली मारी तब वो अपना कान खुजा रहा था, तो कान खुजा रहा था तो तब तो लगेगी कि नहीं लगेगी कान में होते हुए। सबने कहा हाँ हाँ ये तो हो सकता है, बात तो ठीक कही। एक बार फिर बैठे तो कहते हैं जानते हो मैं एक बार जंगल से गुजर रहा था, तो वहां देखता हूं कि ये 50 फुट लंबा सांप और उसके मुंह में चूहा, और मैं गया और मैंने मुंह से चूहे को निकाल के बाहर रख दिया। तो फिर सबने देखा तो सब देखने लग गए, लेकिन अब सम्मान था ठाकुर साहब का, डर था तो क्या कहेगा कोई। तो बगल में सेवक बोला ठाकुर साहब संभालिए, तो ठाकुर साहब ने कहा अरे भाई जब मैंने चूहे को निकाला तो वो सांप और चूहा दोनों मरे हुए थे। तो सबने कहा हाँ ये हो सकता है, मरे हुए सांप से मरा हुआ चूहा निकाला जा सकता है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। तीसरी बार फिर लगा के बैठे दरबार, कहते अरे जानते हो एक बार तो मैं जब जंगल में गया ना, तो वहां जाके देखता हूं कि ये 50 फुट लंबा शेर, तो 50 फुट लंबा शेर तो होता नहीं कहीं। तो बगल में सेवक बैठा था, उनका ठाकुर साहब, तो उनका थोड़ा पास जाएं तो 40 फुट तो रहा ही होगा, तो 40 फुट भी नहीं होता है शेर। तो फिर ठाकुर साहब, अब वो खांस रहा है बेचारा, खराश रहा है, तो बोले कि और थोड़ा सा नजदीक जाके देखें तो 30 फुट तो रहा ही होगा,
अच्छा 30 फुट भी नहीं होता है शेर। ठाकुर साहब वो खास रहा है जोर जोर से, तो उन्होंने कहा यदि फीते से नाप दिया जाए तो 20 फुट तो होगा ही शेर। अच्छा 20 फुट भी नहीं होता है शेर, तो ठाकुर साहब, तो ठाकुर साहब ने उठाया लठ और दो लगाए उसमें सेवक में। अब सेवक कहाँ से जा रहा है ठाकुर साहब, ठाकुर साहब ने मारा दो लठ, बोले अरे मूर्ख अब जब मैंने फीते से ही नाप दिया तो फीते से नापने के बाद क्यों कहाँ से जा रहा है, क्योंकि फीते के बाद कुछ संभालने के लिए गुंजाइश रह नहीं गई, अब चुप हो जा, जो बचा है वो भी चला जाएगा। कहने का अर्थ है माताओं बंधुओं, अभी विश्वामित्र जी महाराज फीते से नहीं नापे, ध्यान दीजिएगा, अभी बड़ी गोलमोल बात उन्होंने की। क्या कहा, बोले ए प्रिय सब ही जहां लगी प्राणी। तब तक राम जी बगल में खासे, ठाकुर साहब, अरे विश्वामित्र जी भी ठाकुर साहब ही हैं। तो राम जी ने कहा ठाकुर साहब संभालिए संभालिए, बोले नहीं नहीं पलट गए। मन मुस्काई राम सुनी बानी, राम जी मुस्कुरा दिए, और जैसे ही मुस्कुराए तो राम जी की मुस्कुराहट ही तो माया है, माया जो माया का संचार कर देती है। अधर लोभ जम दसन कराला और माया हास बाहु दिगपाला, तो प्रभु श्री राम की मुस्कुराहट ही तो माया है। जैसे ही मुस्कुराए ठाकुर साहब संभालिए संभालिए, विश्वामित्र जी बात से पलट गए, ये कोई ब्रह्म नहीं है, ये कोई निर्गुण निराकार नहीं है, मैं ऐसा कब कहा। तो बोले फिर आप क्या बोले, बोले मैं तो बोल रहा था कि ये रघुकुल मनी दशरथ के जाए, चक्रवर्ती सम्राट के बेटे हैं, रघुकुल मनी दशरथ के जाए और मम हित लागी नरेश पठाए, ये राम लखन दो बंधु बर रूप सील बल धाम, मख राखे उ सब साखी जग जीते असुर संग्राम। ये राम लक्ष्मण दो भाई हैं, चक्रवर्ती सम्राट के बेटे हैं। माताओं बंधुओं, जनक जी ने भेंट की और भेंट करके चले गए, ध्यान दीजिएगा। लेकिन क्या करते हैं जानते हैं, जनक जी महाराज जाते हैं थोड़ी दूर, वापस पलट के आ जाते हैं। क्यों आए जी, अरे कहा कुछ नहीं कुछ नहीं, मैं कुछ भूल गया था सामान, फिर जाए फिर थोड़ी देर बाद आ जाए, अरे मेरा पर्स छूट गया, फिर चले जाए फिर आ जाए, अरे मेरा मोबाइल छूट गया। क्यों बार बार आ रहे हैं, वो आ रहे हैं प्रभु श्री राम का दर्शन करने, उनकी आंखें ही नहीं अघा रही, नेत्र ही नहीं अघा रहे प्रभु श्री राम का दर्शन करने के बाद भी, वो रूप है प्रभु श्री राम का। गोस्वामी जी लिखते हैं, जनक बिलो की बार बार रघुबर को, गीता वाली बालकांड में उल्लेख किया गोस्वामी जी ने, जनक बिलो की बार बार रघुबर को तो मुनि पद शीश नाए आयसु आशीष पाए, यही बातें कहत गवन कियो घर को, जनक बिलो की बार बार रघुबर को, बार 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 देख रहे हैं, बार बार देख रहे हैं। बच्चों को थोड़ा सा देख लीजिए पड़ोस में, चुप बैठो बेटा। जनक बिलो की बार बार रघुबर को तो नींद ना परत राती प्रेम पन दूहु भाती, नींद नहीं पड़ रही रात भर, एक तरफ प्रेम है राम जी के प्रति, एक तरफ प्रण है धनुष यज्ञ का, तो नींद ना परत राती प्रेम प्रण दूहु भाती, सोचत सकोचत बिरंची हरिहर को। ब्रह्मा विष्णु महेश सबको मना रहे हैं, कह रहे हैं प्रभु आज तक आपने मेरी कोई बात टाली क्या, जब सब नहीं टाली तो ये भी मत टालो, प्रण भी रह जाए मेरा और इन्हीं से उठे धनुष। सोचत सकोचत बिरंची हरिहर को कि तुम ते सुगम सब देव देखिबे को, अब जस हंस किए जोगवत जुग पर को, तो जनक बिलो की बार बार रघुबर को, बार बार देख रहे हैं जनक जी, बार बार देख रहे हैं। माताओं बंधुओं, जनक जी तो चले गए अपने निवास पर। अच्छा हुआ क्या इस बीच कि प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी महाराज जब आए थे ना जनकपुर में, तो अभी उन्होंने जनकपुर के दर्शन नहीं किए थे, उन्होंने बाईपास से माने बाहर से ही गुजरे थे, अभी तो जनकपुर के अंदर तो आए नहीं थे। और लक्ष्मण जी के मन में ये लालसा हुई कि क्यों नहीं जनकपुर देखा जाए चल के। तो प्रभु श्री राम इस बात को समझ गए, भगवान समझ गए कि लक्ष्मण जी महाराज जनकपुर का दर्शन करना चाहते हैं। तो भगवान जाकर के कहते हैं विश्वामित्र जी, प्रभु
नाथ। तो विश्वामी जी कहते हाँ बोलो राम। बोले ये लखन। तो विश्वामी जी ने कहा हाँ ठीक है ये लखन है आप राम हैं बताइए क्या हुआ। बोले पुर। तो विश्वामी जी ने कहा देखो राम तुम गलत जा रहे हो ये लखनपुर नहीं है ये जनकपुर है तुम कहना क्या चाह रहे हो सीधे सीधे बताओ। राम जी कहते हैं ये नाथ लखनपुर देखन चाहिए ये जनकपुर देखना चाहता है। तो कहा अच्छा तो अगर ये जनकपुर देखना चाहता है तो आप क्यों इनकी वकालत कर रहे हैं आप कोई वकील तो है नहीं इनके ये देखना चाहता है तो ये बात करें खुद आप क्यों कह रहे हैं। तो प्रभु श्री राम कहते हैं जो राउर आयसु मैं पावो तो नगर दिखाई तुरत ले आवो। तो विश्वामी जी कहते हैं अब मैं समझा आप क्यों बीच में ज्यादा आपको इस बात से ललक हो रही है कि लक्ष्मण जी महाराज को दिखाना है। दरअसल लक्ष्मण जी महाराज को दिखाना है खाना नहीं है लक्ष्मण जी महाराज को तो देखना है जनकपुर और आपको दिखाना है जनकपुर को अपने रूप की लालिमा अपना सौंदर्य ललचवाना है जनकपुर वासियों को इसलिए आप ज्यादा लगे हुए हैं लक्ष्मण जी से। अच्छा प्रभु। तो बोले हाँ राम चले जाओ दोनों जाई देखिया वह नगर सुख निधान दो भाई और करह सुफल सबके नयन सुंदर बदन दिखाए। जाइए आप दिखाइए और आप दिखाइए प्रभु को और जनकपुर वासियों को प्रभु अब माताओं बंधुओं सारे जनकपुर वासी उनको पता पड़ा कि प्रभु श्री राम देखने आए हैं जनकपुर दौड़ पड़े सब लोग धाये धाम काम सब त्यागी देखन नगर भूप सुत आए समाचारपुर वासिन पाए तो धाये धाम काम सब त्यागी मनहु रंक निधि लूटन लागी जुवती भवन झरो कहीं लागी और निर कहीं राम रूप अनुरागी। सारी युवतियां देख रही हैं अरे सखी ये कौन है ये कौन है इनके जैसा रूप तो इस संसार में ना कहीं सुना ना पढ़ा ना देखा ये है कौन। विष्णु चारी भुज विधि मुख चारी हमने तो सुना है कि नारायण भगवान हो सकते हैं शायद अरे नहीं नहीं लेकिन उनके तो चार हाथ हैं चार भुजा वाले हैं। ब्रह्मा जी अरे नहीं नहीं उनके तो चार मुख हैं। महादेव अरे कहा महादेव तो हो ही नहीं सकते वो इतने सुंदर तो हैं ही नहीं सुंदरता में तो उनका नाम आता ही नहीं है। वो तो विकट वेश मुख पंच पुरारी अपर देव अस को न आही यह छवि सकी पट तरी जाही। इस संसार में ऐसा कोई है ही नहीं सखी जिनसे ये उपमा दे दी जाए। तो एक सखी कहती है सखी कहीं ऐसा तो नहीं कि ये कामदेव हो कामदेव तो नहीं कहीं। दूसरी सखी कहती है नहीं सखी ये बै किशोर सुषमा सदन श्याम गौर सुख धाम अंग अंग परवारी है कोटि कोटि सतकाम। इनके तो एक एक अंग पर करोड़ों करोड़ों कामदेव निछावर है सखी ये कामदेव तो नहीं हो सकते। तो सखी कहती है तो पता करो कौन है कोई नहीं जानता कि ये कौन है। तब तक एक सखी कहती हाँ हाँ हमें मालूम है सखी ये कौन है हमें मालूम है कल हमारे पतिदेव गए थे वहां पे राजा जी के साथ एक कहिन रप सुत ते ही आली। अरे ये वही है सखी राजा के बेटे हैं। तो कहा कि आप कैसे जानती हैं क्या नाम है इनका। अरे बोले ए दो दशरथ के ढोटा ए दो दशरथ के जोटा बाल मराल इनके कल जोटा मुनि कौशिक मख के रखवारे जिन रन अजिर निशाचर मारे। अरे इन्होंने ही यज्ञ की रक्षा की थी ए दो दशरथ के ढोटा ये जोड़ा जो है। तो कहा कि अच्छा कुछ नाम वाम मालूम है। बिल्कुल मालूम है सखी ये जो आगे है ना ये आगे जो श्यावले से हैं श्यामल शरीर है जिनका ये श्याम गात कल कंज बिलोचन जो मारीच सुभुज मद मोचन कौशल्यासुत सब गुण खानी नाम राम धनुषा रंग पानी। ये राम जी है राम जी आगे का पीछे बोले ये गौर किशोर बेश बर कांचे
करतल चाप राम के पाछे, ये लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता। और सुनु सखिता सो सुमित्रा माता, ये सुमित्रा जी के बेटे हैं। तो एक सखी कहती है, सखी काश काश हम लोग इनको जिस प्रकार देख रहे हैं, काश राजा जी इनको देख लिए होते। राजा जी इनको देख ले तो मेरा विश्वास है कि राजा जी सब कुछ प्राणवर त्याग के इन्हीं से विवाह कर देंगे। सारी एक बार बस देख लें बस। जो सखी नहीं देखी नर ना हो तो पन परिहरी हठ करही विवाह हो, तो प्राण त्याग देंगे। तो दूसरी कगी सखी कहती, अरे छोड़ो सखी, तुम जितना विद्वान राजा जी को समझती थी हम भी उतना ही समझते थे, लेकिन वो इतने विद्वान है नहीं। का क्या मतलब? अरे कहा ये मिल चुके हैं राजा जी से, मैंने बताया तो कल हमारे पतिदेव भी वहीं गए थे, मिले हैं ये, देख लिया राजा जी ने। को कहे भूपति पहचाने और मुनि समेत सादर सन्माने, सखी परंतु पन राउ न तजही और विधि बस हठी अविवेक कहीं भजही। अभी भी उनके दिमाग में वही धनुष चढ़ा हुआ है, राजा जी को समझ नहीं आ रही है कि इनसे विवाह कर दिया जाए। तो दूसरी सखी कहती है, अरे सखी तो हम भी ऐसा करें ना, हम राजा जी धनुष के भरोसे हैं, तो हम ऐसा करें कि धनुष तो हल्का, धनुष तो भारी है, तो धनुष जैसा भी है यदि इन्हीं से वो धनुष उड़ जाए तो क्या कहना। तो कहा सखी वो कैसे होगा? कहा सखी वो ऐसे होगा कि यदि हम सब मिलके परमात्मा से निवेदन करें तो या तो वो धनुष को हल्का कर देंगे और या फिर उनको इतनी ताकत दे देंगे इन राजकुमार को कि धनुष उठा लेंगे, राजा जी का कोई लेना देना ही नहीं है इसमें। को कह जो भल अहीं विधाता, सब कह दे उचित फल दाता, तो जान की मिल ही पर ये हो नाहिन आली यहां संदेह हो। तो सखी कहती है, सुनो सखी हमें तो केवल एक बात का भगवान से प्रार्थना करनी है। अरे हमारा सौभाग्य है जो आज ये लोग इस जनकपुर में घूम रहे हैं। सखी यदि इनका विवाह नहीं हुआ जानकी से तो सोचो सखी फिर ये कब आएंगे, क्यों आएंगे, कारण क्या है यहाँ आने का, कोई तो बहाना चाहिए ना सखी यहाँ आने का। सखी हमरे आरती अति ताते कि कब हूं को ये आवही यही नाते, नाही तो हम कहूं सुनहूं सखी इन कर दर्शन दूरी, यह संघट तब होई जब पुण्य पुराकृत भूरी। वरना हम लोग नहीं कर पाएंगे इनके दर्शन सखी, वो तो संघट कभी हो जाए, ये संयोग कभी कभार बनता है सखी, नित्य नहीं बन सकता, हर बार नहीं बन सकता। माताओं बंधुओं सखियां तो ये बात कर रही थी, ध्यान दीजिएगा। तब तक क्या हुआ नीचे जानते हैं? नीचे ये हुआ कि बच्चे खींच के ले गए प्रभु श्री राम को, और बच्चे खींच के ले गए और खींच के ले गए। अब वो लोग अपनी अपनी बातें करने लग गए राम जी के साथ। हमारे प्रभु श्री राम सीधे सरल सहज, ऊपर से कोई दाढ़ी मूछ भी नहीं उनको। तो माताओं बंधुओं बच्चों ने ऐसा मजाक किया, कहा इधर आइए इधर आइए, कोई बच्चा उधर खींच रहा है, कोई बच्चा उधर खींच रहा है। निज निज रुचि सब ले ही बुलाई तो सहित स्नेह जाई दो भाई। अब चले जा रहे हैं। अब एक बच्चे ने क्या किया, भगवान श्री राम का हाथ पकड़ लिया, और दूसरे बच्चे ने भगवान श्री राम हमारे जो पीताम्बर ओढ़े थे उस पीताम्बर को पीछे से ले करके, और जैसे हमारी माताएं घूंघट पहनती है ना, घूंघट ओढ़ती है, वैसे घूंघट बना लिया। और तीसरे ने थोड़ा सा आगे खींच दिया, थोड़ा सा और सर के पास कर दिया। तो माताओं बंधुओं राम जी बिल्कुल बहू जैसे लगने लग गए, कन्या जैसे लगने लग गए। तो जैसे ही घूंघट बना दिया तो सारे बच्चे एक दूसरे से बात करने लग गए। एक बच्चा कहता है, वाह देखो तो क्या बात है, क्या रूप है, वाह वाह। तो दूसरा बच्चा कहता है, वाह बात तो बिल्कुल सही कही भैया, क्या बात है। अरे भैया एक ही कमी रह गई है बस इसमें, काश वो और हो जाता ना तो क्या कहना था फिर। तो तीसरा कहता है, बेचारे नहीं नहीं जो है वो बिल्कुल ठीक है, और कुछ नहीं होना चाहिए था, इतना ही सही है। चौथा कहता है, कैसी बात कर रहे हो, अरे वो हो जाना था, वो हो जाता तो क्या कहने थे। चौथा कहता है, वो सही बोल रहा है, नहीं होना था वो,
नहीं होना चाहिए था। अब कोई कह रहा है वो हो जाता, कोई कह रहा था नहीं होना। तो प्रभु श्री राम कहते हैं भैया क्या हो जाना था, क्या नहीं हो रहा है ये तो बताओ। तो एक बच्चा कहता है जानते हैं प्रभु ये लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, क्या हो जाता तो कितनी गड़बड़ हो जाती जानते हैं, क्या हुआ जो नहीं हुआ तो अच्छा हुआ, क्या नहीं हुआ जो अच्छा हुआ। तो बच्चा कहता है जानते हो प्रभु यदि वो हो जाता ना तो रस जाते किते रसिया रस में और फंस जाते किते घर जारन के, फंस जाते पति लखी लोनी छटा गलियान बिहारी बजारन के, परी जाते मजारन पे कितने मुस्कान के मारे नजारन के, और बन जाते लली तुम राम लला तो गला कटी जाते हजारन के। यदि आप लली बन जाते ना लला की जगह तो जनकपुर में कत्लेआम मच जाता प्रभु, अच्छा ही हुआ वो नहीं हुआ। अब बच्चे उधर से उधर खींच रहे हैं, भगवान चले जा रहे हैं, सखियां ऊपर बात कर रही हैं, अरे सखी इनसे नहीं उठेगा धनुष, देखो तो तुमने धनुष को भी देखा है सखी और तुम इनको भी देख रहे हो, जरा देखो कहीं से कहीं तक लग रहा है तुमको, धनुष भी देख लिया है तुमने, ये भी देख रहे हो सामने। को कह शंकर चाप कठोरा और ऐसा मल मृदु गात किशोरा, कहां धनुष और कहां ये कोमल। तो एक सखी कहती सुनो सखी इनके देखने पे मत चले जाना, देखने में तो ये इसी प्रकार से लगते हैं बड़े कोमल। लेकिन सखी परंतु सकी इन्ह कह को कौवस कही कि बड़ प्रभाव देखत लघु अही, परसि जासु पद पंकज धूरी और तरी अहिल्याकृत अगभूरी, सौ की रहई बिनु सो की रहई प्रभु बिनु बिनु शिव धनु तोरे अस प्रतीति परिहरिय न भोरे। वो कभी तो ऐसा हो सकता है कि उनसे शंकर जी का धनुष ना टूटे। तो सखियों ने कहा बिल्कुल सही कहा सखी, सखी बिल्कुल ठीक कहा, धनुष तो इनसे ही टूटेगा। अब माताओं बंधुओं इस प्रसन्नता में मानो भगवान श्री राम जनकपुर की गलियों में ना घूम रहे हो, भगवान श्री राम उस यज्ञ मंडप के फेरे ले रहे हो जिस यज्ञ मंडप में विवाह होता है और अग्नि जल रही हो। और जब विवाह होता है दूल्हे का तो माताओं बंधुओं जितनी सखी सहेलियां होती है ना पुष्प बरसाती है, फूल बरसाती है दूल्हा दुल्हन पे। सखियों ने कहा सखी विवाह तो होगा परसों, लाओ हम आज ही इन पर वो फूल बरसाना प्रारंभ कर दे क्योंकि हमने तो इनको दामाद मान लिया है। तो ही हर सही बर सही सुमन, सब प्रसन्न है फूल बरसा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। माताओं बंधुओं एक घटना और अच्छी बताऊं, भगवान श्री राम जब जनकपुर की गलियों से गुजरे ना तो जनकपुर की गलियों से जब गुजरे तो राम जी को देखने वालों की आंखों के पुर्जों में झगड़ा हो गया। भाई देखते तो आंखों से ही हैं। राजा रघुराज सिंह जी रीवा नरेश वो लिख रहे हैं कि श्री स्वयंवर ग्रंथ लिखा, काव्य लिखा उन्होंने, उसमें लिखा कि आंखों के पुर्जे झगड़ लिए जब भगवान श्री राम जनकपुर की गलियों से गुजरे। क्या लिखते हैं कि रघुराज बिलो की लिए जब ते तब ने हो ना दे हो संहारन दे, और धरी धीरज बोली उठी बरुनी, बरुनी माने पलक जो आंखों के आगे, धरी धीरज बोली उठी बरुनी कि पद पंकज की रज झारन दे। पलक झाड़ू जैसी होती है तो कह रहे हैं कि अच्छा पैरों के धूल को झाड़ दूं मैं। धरी धीरज बोली उठी बरुनी कि पद पंकज की रज झारन दे। अच्छा ध्यान दीजिएगा, जब हम किसी के सामने अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं तो जब अत्यंत प्रसन्नता होती है तब भी आंसू आ जाते हैं आंखों में, या तो अत्यंत दुख में आएंगे या अत्यंत प्रसन्नता में आएंगे। तो अत्यंत प्रसन्न है सब लोग तो आंखों में आंसू आ गए, और जब आंखों में आंसू आ जाते हैं ना तो फिर ठीक ठीक दिखाई नहीं देता, धुंधला दिखने लगता है सामने, हम लोग आंसू पोंछ के फिर देखते। तो आंखों में आ गए आंसू तो पुतली ने टाटते हुए कहा आंसुओं को कि आपको यही समय मिला था आने का,
अरे भाई आप आ गए, अब दिख ही नहीं रहा कुछ, अब अभी प्रभु यहाँ से चले जाएंगे फिर। तो कहा और कुछ समय नहीं मिला आपको आने का, भागो यहाँ से, निकलो यहाँ से। अब पुतली डांट रही है आंसू को, पद पंकज की रज झारन दे तो पुत्री कहे, पुत्री कहे सामने से हटी जा, हट जाओ भागो यहाँ से, आंसू से। पुत्री कह सामने से हटी जा और असुआ कहे पाय पखारन दे, पलके कहे मूंद ले नैनन में और असुआ अखियां कहे और निहारन दे। रघुराज बिलो के लिए जब ते तब नेह ना देह संहारन दे, धर धीरज बोली उठी बरुनी पद पंकज की रज झारन दे, पुत्री कह सामने से हटी जाओ असुआ कहे पाय पखारन दे, पलके कहे मूंद ले नैनन में और अखिया कहे और निहारन दे। तो ही हर सही बर सही सुमन, ध्यान दीजिएगा, भगवान श्री राम जिनकी तरफ देख लेते थे ना, उनका ही हर सही, उनका ही हर्षित हो जाता था, और जिनकी तरफ नहीं देख पाते थे उधर से बरसा ही सुमन वो फूल मारते थे कि प्रभु हमारी तरफ भी तो देख लो, हमारी तरफ भी तो देख लो, तो उधर देखने लगते थे तो इधर से फूल मारने लगते थे। ही हर्ष ही बरसा ही सुमन, भगवान जिनका तरफ देख लेते थे वो सुमुखी हो जाती थी वो सखियां, और जो सखियां भगवान को देख लेती थी वो सुलोचनी हो जाती थी, उनके नेत्र सुलोचनी हो जाते थे। ही हर सही बर सही सुमन सुमुखी सुलोचनी ब्रंद, और जाई जहां जहां बंधु दो तह तह परमानंद। माताओं बंधुओं, किसी प्रकार भगवान श्री राम जनकपुर का दर्शन करके और वापस विश्वामित्र जी महाराज के पास आए। रात में विश्वामित्र जी महाराज का चरण, ये भी बहुत सुंदर प्रसंग है। देखिए रामचरितमानस में ये बात, कुछ बातें तो वैसे तो हर बात ऐसी है कि आप अर्धाली जहां से निकालेंगे वो आपको आप जीवन जीने की कला बताता है। ये आचार संहिता है, मैं बार बार कहूंगा, ये संपूर्ण मानव जीवन दर्शन है रामचरितमानस। लेकिन देखिए विश्वामित्र जी महाराज के पैर दबा रहे हैं प्रभु श्री राम, और विश्वामित्र जी महाराज लेटे हुए हैं। मुनि बर शयन कीन तब जाई और चरण कमल चापत दो भाई। तो विश्वामित्र जी महाराज को याद आया कि कहां तो मैं ये सोच के गया था कि वो परम पिता परमात्मा का अवतार हो रहा है और उनका अवतार हो रहा है राक्षसों के वध के लिए, मैं तो केवल ए हूं मिस देखूं पद जाई, मैं तो चरणों के दर्शन करने जा रहा था। और कहा विश्वामित्र आज आपके दिन फिरे और आप उन्हीं के उन्हीं से चरण दबवा रहे हैं, कितनी गलत बात है। विश्वामित्र जी ने कहा नहीं नहीं राम, रहने दीजिए, बस बस रहने दीजिए, हमको आपसे चरण नहीं दबवाने, रहने दीजिए जाइए।